धीरे धीरे हम आखी देखनी सुंदर सरिया योगिया में जोर लाए आखी देखनी सुंदर सरिया योगिया में जोर लाए। देखो जो हमारे मन में है ना सारा बाबा को बताएंगे वो आप बाबा सारा समस्या हल कर देंगे। आप बहुत पहुँच गए ठीक है घबराना मत। चलो बाबा हम मस्त रहो चेला जब कर्मी सब आती है तो बैठाता नहीं है बाबा बैठो 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 कल ही लोग बैठो बैठो मैं तो भैया भी बैठ लूंगा नहीं चला बहुत जगह है बाबा आप आगे आगे थोड़ा बैठो। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं यहाँ पर जगह है चलिए यही यही देखो जाते हैं। हाँ 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 बैठ जाओ बाबा देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर करनी है। हाँ देख रहे हैं बाबा देख रहे हैं। हाँ बच्चा मतलब बताओ क्या दुख है क्या तकलीफ है क्या परेशानी है क्या बाबा के पास चले हो आज। अच्छा बाबा आज आपके पास बताएंगे। बताओ बताओ दूरी पर जा रहे हो कौन है इसकी दोनों बीबी है उधर आए। अरे अच्छा भाई पूछ बाबा आए का अपने आपस में अब पूछ रहे हैं ना कि मतलब पता ना क्या दुख तकलीफ है सब एकदम एकदम छकास लग रहे हो हीरो हीरोइन लग रहे हो बाबा तुम लोग को कोई मतलब शरीर झलक रहा है शीशा जैसे। और इधर आ जाओ बच्चा अब बैठ गए बाबा क्या करे बैठ गए आराम से बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ अपना चूतर यहाँ रह के आराम से बैठ जाओ दबा लिए। क्या है बताओ अब तुमको क्या दुख है क्या तकलीफ है क्या परेशानी है क्या बाबा के पास चले हो। सही बात है बाबा समस्या तो बहुत जटिल है। जटिल है मतलब जटिल है चाहे कुछ भी है बाबा से बताओगे तभी ना बाबा जानेगा का जटिल है का ना जटिल है। बाबा उसी तो आपके पास आए हैं। हाँ, बोलो 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 दिल खोल के बोलो दिल के अंदर जो तुम्हारे भीतर जो बात है बाबा एकदम मत बोल दो बाहर निकाल दो ऐसा ठोकर बाबा सीना धस जाएगा। इतना कमजोर तुम्हारा ये बॉडी है चेचिसा है बाबा क्या करे दो दो गाड़ी चला रहे नो। अच्छा दोनों बुझा रहा है बाबा बीवी है दो गाड़ी चलाता है तो एक साथ दोनों गाड़ी कैसे चलाता है बाबा। दरअसल कुछ बात ये है नो। हाँ ये मेरी पहली पत्नी है। अरे तो गाड़ी का बात कर रहा था अभी कर रहा है पा गया पहली बाबा यही नो हमारी वो गाड़ी है। अच्छा इस गाड़ी का बात कर रहे इस गाड़ी का बाबा तो कह रहा है कि दो दो गाड़ी चलाते हैं। हाँ बाबा ये दोनों लुगाई को चलाता है का। अच्छा रुक पूछते हैं पूछते हैं तो ये पहली पत्नी है। हाँ भाई पहली पत्नी मेरी। हाँ शादी किए थे। हाँ दो चार साल बीत गया। हाँ बच्चा कोई सुख नहीं आया। अच्छा बच्चा तो घर वाले बोले लगे। हाँ तो मतलब ये पहली बीबी है तो इसे मतलब दो तीन साल में कोई औलाद नहीं। हाँ कोई संतान नहीं हो इससे। अच्छा अच्छा तो घर वाले ने मुझे राय दिया। हाँ समझाया बुझाया। हाँ कि दूसरी बीबी ले लाओ। दूसरी बुझा रहे। हाँ तो ये दूसरी वाली है का। तो दूसरी ये रही वाली वाली ये भी तो बड़ी सुंदर है। इसके भी साथ हो गया दो साल तक। हाँ ये भी तो बड़ा सुंदर है। अरे वाह बहुत बढ़िया है। अरे शांति रहो। हाँ हाँ तो क्या हुआ बाबा इसके भी कोई संतान नहीं हुआ। इससे भी नहीं हुआ। नहीं बाबा हाँ। तो कुछ लोग बताए कि जाओ वहाँ पर बाबा का कुटिया है। हाँ 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 जंगल में झाड़ी में। हाँ तो वही तो धरते है बहुत जहाँ है बाबा। हाँ जंगल है रास्ता में ना डर लगते तो शेर और ना मिले रास्ते। अरे कुछ नहीं होगा जब बाबा के पास आएगा बाबा का नाम लेके ना तो रास्ता में कितना हु बाधा पड़ेगा कोई सांप गोजर पीला कुछ शेर बाघ कोई तुमको कुछ करबे नहीं करेगा। तो देखिए बाबा हाँ इस समस्या का हल कर दीजिए। हाँ ये समस्या जो है तुम्हारा ठीक किए हो तुम बाबा के पास आ गए अब जो है ना तुम्हारा परेशानी खत्म खत्म।
कोई तो सहारा चाहिए। चला समझाओ इसको, आज तक हम लोग कितना लोग को आता है ना खाली हाथ नहीं, खाली हाथ नहीं जाता है बाबा। आज तक ना यही बोलता है कि खाली हाथ नहीं जाता है। अरे अरे बात सुनो, आज तक ना बाबा मतलब कितना लोग को बच्चा दे दिया है, गिनती करने मान का नहीं, गिनती करने मान का नहीं है बाबा। हमारे लिए कोई विचार, तुम आज तक जानते नहीं थे बाबा के विषय में है? बहुत प्रसिद्ध है बाबा है, कोई तुमको बताया नहीं था बाबा के विषय में? इतना तो नहीं बताती, थोड़े बताए पहले तुम जानकारी होता बताओ। इतना खूबसूरत तुम्हारी पहली बीबी है, इतना खूबसूरत दूसरी बीबी है, तुम्हारा समस्या हम कब कब का खत्म कर दिए हो बाबा? क्या करे, बहुत लेट हो गया, जो भी हो गया। हाँ, अब तो समस्या है कि तू कह रहा है दो दो गाड़ी चलाता हूँ, चेचिस जो है कि खत्म हो गया है, इस तरफ से ठोकने पे कह रहा है कि धस जाएगा। अब बताओ बाबा के पास आए लेकिन लेट आए ना, अब चेचिस खराब कर लिया है, अब तुम्हारे में दमे नहीं है तो अब दो दो सुंदरी दो का तुम सौ को शादी कर लोगे तो होगा तुमसे? लाठी सही किया है, सही किया है। घबराओ नहीं, फालतू कहीं का बाबा के पास आएगा, बाबा बिना भोग लगाए जाने देगा? नहीं, ऐसा नहीं, कैसे नहीं, हो सकता? सही बात है बाबा, सही बात है। उका है ना तुम्हारे समस्या को दूर करने के लिए चेला बता रहा था, तो तुम्हारा कैसे खराब हो गया है दो दो गाड़ी चला के, तो अब क्या कर सकता है बाबा है? तो सोचे बाबा धन दौलत का जो है बाबा, हाँ बारिश हो जाए तो अच्छा रहता बाबा। एकदम होगा, एकदम होगा, लेकिन अब उसके लिए ना तुमसे तो होगा नहीं, नहीं। जब तुम्हारा चेच से खराब हो गया है तो अब तुमसे होना मुश्किल है, तू बूढ़ा हो जाएगा, सौ को ब्याह कर लेगा तब नहीं हो पाएगा। अब क्या कर बाबा, अब तो बहुत समय निकल चुका है। हाँ, अब एक काम है, तुम्हारा समय थोड़े निकला है लेकिन तुम्हारा चेच से गायब है। हाँ बाबा, थोड़ा ताकत उकत। हाँ, जैसे मान लो नया मोटरसाइकिल हो और दो ये साल चला हो और इतना धुन दिया गया हो कि कबाड़ हो गया हो, उसमें इंजन में दमे नहीं हो, उसका समय से सर्विसिंग नहीं हो, तो उसका फायदा है नया गाड़ी का? वही हाल मेरा, वही गाड़ी, वही हाल तुम्हारा है, तुम्हारा नया उम्र है अभी लेकिन तुम्हारा चेच से खराब है। हाँ, काम है यदि तुम चाहता है ना कि तुम्हारे बीबियों को बच्चा हो जाए। हाँ बाबा, और मतलब तुम गांव में तुम्हारा बदनामी ना हो, तुम्हारा धन दौलत खाने के लिए कोई वारिस आ जाए। हाँ, तो अब बाबा जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? हाँ ये बताओ। हाँ? कि तुम्हारे दोनों बीबियों में से एक ही को कोई को बच्चा दे दें या फिर दोनों को बच्चा दे दें? अरे बाबा, अगर एक देंगे तो एक झगड़ा करेंगे ना, लड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों को चाहता है कि दोनों को बच्चा दे दे? दोनों को बच्चा दे दे बाबा। तो दोनों को एक साथ कैसे चला? हाँ बाबा देखो। हाँ। अब इसके लिए साफ साफ बाबा बता दे रहा है, ये बात किसी से बताना नहीं। अच्छा नहीं बताएंगे? इसके लिए ना बाबा को भोग लगाना पड़ेगा। हाँ, भोग लगाएंगे। हाँ, बिना भोग का काम नहीं चलेगा। नहीं 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 हो पाएगा। अरे रा 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 रा, तो बिना भोग का कैसे काम होगा? कैसे होगा? उपाय दे दीजिए। दूसरा कौन उपाय है? दूसरा उपाय होता तो बाबा बताता नहीं। भूख देने से बच्चा होगा, जड़ी देने से बच्चा होगा, पानी पिलाने से बच्चा होगा? कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं कोई रास्ता, कोई रास्ता नहीं है, बस एक रास्ता है। एक रास्ता है और वो सीधा रास्ता है, एकदम गारंटी वाला रास्ता है। कुछ नहीं, पूछ लो क्या करना है, पूछ लो, पूछ लो बाबा। एक को हम भोग लगा लेंगे। अरे चुप कर चेला, पहले शांत, इतना सुंदर करनी देखता है तो छटपटा जाता है, पहले बाबा लाइन करना है ना। पूछ लो पूछ लो, जल्दी पूछ लो, बाबा के पास इतना टाइम नहीं है, बहुत करनी सब आता जाता है। देखो बाबा तो बता रहे हैं कि झाड़ तू से नहीं कुछ होगा। देखो जो पति संग जो औरत करती है वही बाबा संग करना पड़ेगा, अभी क्या कहा बच्चों का सुख मिलेगा। ठीक है, तुम तो चाहती हो ना? हाँ चाहते, तो जैसे बाबा का तैसे कर लो। ये बात हम पांच लोग के अलावा कोई नहीं जानेगा। ठीक है, ठीक है, बोल के बाबा से बन गया, बात कर लिया। हाँ बाबा राजी हो गई, सब राजी हो गए दोनों? हाँ दोनों। अब बताओ ये दोनों गाड़ी बाबा एक
साथ कैसे चलाएगा? नहीं नहीं, एक हम चला लेंगे एक आप। चेला होशियार होशियार सुंदर कभी देखता है तो छटपटा जाता बाबा। आज ना वो आपस का बात हो रहा है, तू बार बार कहता है ना कि बाबा करनी को भोग नहीं लगाने देता है। आज देखो दो दो करनी आई हुई है, एक को तुम ले जा, एक को बाबा भोग लगा लेगा। अरे बाबा तुम दोनों में से किसको लेके जाएगा? नई वाली को। नई वाली को? बाबा कोई डाउट है क्या? वो अपने में बात हो रहा है, बात हो रहा है, तुम्हारा समस्या ठीक करने के लिए बात हो रहा है। जल्दी कीजिए। बाबा तो सोच रहा था कि थोड़ा नई नवेली बाबा को मिल जाए। हम ले जाएंगे बाबा, हम नया है, हम ले जाएंगे। ठीक है ठीक है। अरे बड़ी वाली भी बड़ा चल रही है, सुंदर है। बड़ी वाली को बाबा लेके जाएगा, आज छोटी वाली को। बच्चा ऐसा है ना, तुमको संतान चाहिए ना? चाहिए संतान, ऐसे तो आई। ऐसा है ना, तुम यहीं पे बैठो, ठीक ना? भगवान का ध्यान करो, ओम नमः शिवाय का। और बाबा अभी जा रहा है, अब तुमको संतान का प्राप्ति, संतान सुख दे के आ रहा है, ठीक ना? बाबा देखिए, भोग लगा के आएगा बाबा, क्या होगा उसमें? एकदम एकदम हो जाएगा, गारंटी के साथ। बाबा के पास जो आया आज तक खाली हाथ कैसे नहीं किया। बाल चलवा एकदम परेशान है, बाबा से पहले ही लेके भाग गया। चलो चलो चलो,